हे दोस्तों, इस वीडियो के ज्यादातर गैंगस्टर या तो रोहतक पुलिस द्वारा किए गए एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं या फिर जेल की सलाखों के पीछे सजा काट रहे हैं। इस लिस्ट में 10वें नंबर पर नाम आता है रोहतक के कुख्यात गैंगस्टर मनीष भंडारी का। इस पर हत्या के प्रयास, लूटपाट और डकैती के एक दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसने अप्रैल 2016 में अपने साथियों के साथ मिलकर एक व्यापारी की कार तथा 2 लाख रुपए लूट लिए थे। इसके बाद मई 2016 में इस पर एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या का आरोप लगा था, जिसके बाद से यह फरार चल रहा था। मनीष भंडारी और विकी बॉक्सर एक दूसरे के जानी दुश्मन है। इसी वजह से वर्ष 2016 में विकी बॉक्सर ने अपने साथियों के साथ मिलकर मनीष भंडारी पर जानलेवा हमला किया था। इस हमले में कई गोली लगने के बाद भी मनीष भंडारी जिंदा बच गया था। पुलिस लगातार मनीष भंडारी की तलाश में जुटी हुई थी और जनवरी 2017 में एक गुप्त सूचना के आधार पर मनीष भंडारी को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद इस लिस्ट में 9वें नंबर पर नाम आता है कुख्यात गैंगस्टर ललित समचाना का। इस पर हत्या, कातिलाना हमला और गाड़ियों की लूटपाट के 16 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसी वजह से इस पर 40,000 का इनाम भी रखा गया था। इसने नवंबर 2015 में अपने साथियों के साथ मिलकर सोनीपत निवासी एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। इसके अलावा इसने जयपुर के एक प्रॉपर्टी डीलर पर जानलेवा हमला किया था। इसने वर्ष 2015 में हथियारों के दम पर 2 अलग-अलग गाड़ियों को लूटने की वारदात को अंजाम दिया था। जनवरी 2016 में पुलिस को सूचना मिली कि रामपुरा बस अड्डे के पास हथियार लिए 2 बदमाश किसी गाड़ी को लूटने की फिराक में है। इसके तुरंत बाद पुलिस वहां पहुंची और ललित समचाना और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया। इस लिस्ट में 8वें नंबर पर नाम आता है नेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल जीत चुके पहलवान राकेश मोखरिया का। इसने वर्ष 2005 में झज्जर में एक हत्या करने के बाद अपराध की दुनिया में कदम रखा था। इसी मामले में 6 साल तक जेल में रहने के बाद जब यह बाहर आया तो इसने शराब ठेकेदारी का काम शुरू कर दिया। इसी काम की वजह से इसकी बलबीर ठेकेदार के साथ दुश्मनी शुरू हो गई। इसी दुश्मनी की वजह से वर्ष 2017 में राकेश मोखरिया ने अपने साथियों के साथ मिलकर बलबीर ठेकेदार की हत्या कर दी थी। इसके बाद पुलिस ने इस पर 25,000 का इनाम घोषित कर दिया। इसी बीच जून 2018 में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर इसे गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद इस लिस्ट में 7वें नंबर पर नाम आता है कुख्यात गैंगस्टर विकी बॉक्सर का। इसे वर्ष 2009 में जूनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल मिला था, लेकिन वर्ष 2011 में इसने अपराध की दुनिया में कदम रख दिया और अशोक प्रधान गैंग में शामिल हो गया। इसने मई 2018 में अपने साथियों के साथ मिलकर लॉ कॉलेज के एक छात्र की हत्या कर दी थी। इसके बाद पुलिस ने विकी बॉक्सर को गिरफ्तार भी कर लिया था। इसके बाद विकी बॉक्सर ने अपने वकील के माध्यम से अपने भाई बहन की शादी में शामिल होने के लिए जमानत पर बाहर आया और पेरोल जम करके फरार हो गया। पुलिस लगातार इसकी तलाश में जुटी हुई थी। इसी बीच दिल्ली पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया था। इस लिस्ट में 6वें नंबर पर नाम आता है डॉक्टर कुलदीप का। इस पर हत्या, रंगदारी और अपहरण के 2 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। एमबीबीएस की पढ़ाई करने के दौरान ही गलत संगत में पड़कर इसने अपराध की दुनिया में कदम रख दिया था। शुरुआती दिनों में यह बप्पू नाम के बदमाश के साथ मिलकर वारदातों को अंजाम देता था, पर आगे चलकर दोनों में विवाद हो गया और दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए। इसी वजह से वर्ष 2012 में कुलदीप ने बब्बू पर जानलेवा हमला किया था। इस हमले में कई गोली लगने के बाद भी बब्बू जिंदा बच गया था। इसके बाद हरियाणा पुलिस ने इस पर 5 लाख का इनाम घोषित कर दिया। लगातार इसकी तलाश में जुटी हुई थी और अंततः मार्च 2016 में इसे नरनौल से गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद इस लिस्ट में 5वें नंबर पर नाम आता है कुख्यात गैंगस्टर सनी देव उर्फ कुकी का। इसने जून 2015 में रिठाल निवासी देवेंद्र काला की घर के बाहर हत्या कर दी थी। इसी हत्या का बदला लेने के लिए मार्च 2016 में कुकी के भाई की हत्या कर दी गई। इसके बाद कुकी ने अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए अगस्त 2017 में अंकित की हत्या कर दी, जब उसे पेशी के लिए लेकर जाया जा रहा था। इन वारदातों के बाद रोहतक पुलिस लगातार कुकी की तलाश में जुटी हुई थी। इसी बीच गुप्त सूचना के आधार पर वर्ष 2017 में इसे गिरफ्तार कर लिया गया। दिसंबर 2017 में 3 बदमाश कुकी की हत्या करने की फिराक में कोर्ट में आए थे, पर पुलिस ने उन बदमाशों को गिरफ्तार कर साजिश को नाकाम कर दिया था। इस लिस्ट में 4थे नंबर पर नाम आता है रोहतक के कुख्यात गैंगस्टर रमेश लोहार का। मई 2013 में अपने प्रॉपर्टी डीलर कार्यालय के अंदर अपनी गैंग के साथ बैठकर नरेश काला पर हमला करने का प्लान बना रहा था। उसी समय गुप्त सूचना के आधार पर जब हरियाणा पुलिस मौके पर पहुंची तो इसकी गैंग और पुलिस के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। इसी केस के सिलसिले में जब वर्ष 2017 में इसे पेशी पर लाया गया था, उसी समय कुछ बदमाशों ने इस पर हमला कर दिया। इस हमले में भैंसवाल गांव का एक युवक मारा गया था। इसके अलावा 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान यह हरियाणा के एक मंत्री के साथ हथियार लेकर पोलिंग बूथ आया हुआ था, जिसके बाद हरियाणा पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद इस लिस्ट में 3रे नंबर पर नाम आता है रोहतक के कुख्यात गैंगस्टर संजीत बिद्रो का। इस पर हत्या, रंगदारी और मारपीट के 2 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे। इसने अक्टूबर 2016 में बदर गुर्जर के भाई मनीष उर्फ पप्पू की हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड के बाद गुड़गांव पुलिस ने इसे गिरफ्तार भी कर लिया था। कुछ समय जेल में रहने के बाद यह हिसार के बोस्टल जेल से फरार हो गया। फरार होने के बाद यह कंडेला के राजेश भारती गैंग में शामिल हो गया। इसके बाद इसने राजेश भारती के साथ मिलकर कई वारदातों को अंजाम दिया था। हरियाणा पुलिस लगातार इसकी तलाश में जुटी हुई थी। इसी बीच जून 2018
2018 में दिल्ली पुलिस द्वारा किए गए एनकाउंटर में संजीत बिद्रो अपने 3 साथियों समेत मारा गया था। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर नाम आता है कुख्यात गैंगस्टर अनिल छिप्पी का। अनिल छिप्पी और आनंद एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। इसी दुश्मनी की वजह से अप्रैल 2018 में इसने अपने साथियों के साथ मिलकर आनंद की हत्या करवा दी थी। इसके बाद पुलिस ने हत्या में शामिल 7 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा भी अनिल छिप्पी पर कई संगीन मामले दर्ज हैं, जिसमें फरवरी 2019 में झज्जर रोड पर की गई अजय उर्फ डंका की हत्या का मामला भी शामिल है। दरअसल अजय पर अनिल छिप्पी के पिता की हत्या का आरोप था, इसीलिए अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए अनिल छिप्पी ने अजय की हत्या करवाई थी। फिलहाल अनिल छिप्पी जेल में बंद है और अपने गुनाहों की सजा काट रहा है। इसके बाद इस लिस्ट में पहले नंबर पर नाम आता है रोहतक के कुख्यात गैंगस्टर राजेश सरकारी का। इस पर हत्या, मारपीट और लूटपाट के दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसने दिसंबर 2006 में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के बाहर अपने 2 साथियों के साथ मिलकर सांघी गांव निवासी संदीप की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड के बाद पुलिस ने राजेश सरकारी और उसके दोनों साथियों को गिरफ्तार कर लिया था। इसी मामले में फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने राजेश सरकारी और उसके दोनों साथियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। फिलहाल राजेश सरकारी जेल में बंद है और उम्र कैद की सजा काट रहा है। दोस्तों, अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हो नीचे कमेंट करके बताओ। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह की और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।